जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2022 लेके एक लेटेस्ट अपडेट आ गया था कल रात में ही। कैप राउंड 2 स्टार्ट हो गया है। अब गाइस, जो भी सीट बची हुई है, सीट वेकेंट है, उसका सीईटी सेल ने लिस्ट दे दिया है। ओके, अब कौन से कॉलेज में कितने कोर्सेस में कौन कौन से कितने सीट बचे हुए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज। ओके, ओपन है, एनटी है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, ये सारे कैटेगरी को लेके कौन कौन से सीट बचे हुए कौन कौन से कोर्सेस में, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अब एडमिशन का स्केड्यूल क्या है कैप राउंड 2 का, क्योंकि एडमिशन का स्केड्यूल भी इन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और गाइस, अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है, जीके लेके, मेमोरी ड्राइंग, एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द ऑनलाइन क्लास। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, आई एम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन में प्रोविजनल वेकेंट सीट फॉर द कैप राउंड 2 ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटिंग में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है, वो डिफरेंशियल एबल के लिए और ऑर्फन के लिए एक सीट है। वैकेंट सीट कैप का ये कोर्स में 2 ही सीट है। ओके, अगर आप ये कैटेगरी में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो कोर्स है टेक्सटाइल डिजाइन का, उसमें भी 2 ही सीट बची हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेटर में, डेकोरेशन में वेकेंट सीट इज 1। आफ्टर दिस अभी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची है, ये स्कल्पचर है तो इसमें कोई भी सीट नहीं बची हुई है। स्कूल ऑफ आर्ट्स मेटल वर्क में कोई सीट नहीं है। अब यहाँ पे एक जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में सेरामिक का कोर्स है, उसमें एक सीट है और वो भी ऑर्फन का सीट बचा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वेकेंट सीट यहाँ पे अप्लाइड आर्ट्स, ओके, ये जो कोर्स है उसमें 6 सीट है। सो ऑलमोस्ट कैप राउंड 1 के बाद सारे सीट, ये टोटल इनके पास 100 सीट की इंटेक कैपेसिटी है, यहाँ पे कैप राउंड 1 के बाद सारे सीट फिल हो गए हैं। नाउ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर, यहाँ पे टोटल 8 सीट है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग में। सो इसी तरीके से आप ऑफिशियल वेबसाइट से किस कोर्स में कौन से सीट बचे हुए हैं और अगर आप ये कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप एक बार फिर से कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अभी तक अगर आपको सीट नहीं मिला है तो अब आपको नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लेस। ओके, नाउ आपको मैं अब जो स्केड्यूल है वो बता देता हूँ कि क्या है। सो यू कैन सी आज कल ये डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2 ये आ गया था 21 सितंबर आफ्टर 4 PM। ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 2 22 से, यानी कि आज से लेके 25 तक ये चलता रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 2, ओके, 27 तारीख से ये चालू होगा। एक्सेप्टिंग दी ऑफर्ड सीट बाय दी कैंडिडेट, यहां से आपको 3 अक्टूबर तक ये चलता रहेगा। एंड 28, 29, 30 यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग टू दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय दी सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फी राउंड 2। ओके, सो ये अब आपको करना है 3 तारीख तक, 3rd of October तक, 2nd October को छुट्टी भी है। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस अबाउट द कैप राउंड 2 और जो भी वेकेंट सीट है। अब पॉसिबल हो सकता है कि शायद 3rd राउंड आए, बट जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट बचे हुए हैं उसमें ज्यादा आपको नहीं मिलने के चांसेस है, बहुत कम चांसेस है यू माइट गेट। ओके, सो देख लो अगर आपको मिल रहा है तो, नहीं तो आपको 2023 के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड गाइस, इफ यू वांट काउंसलिंग फ्रॉम अवर एंड, सो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।